टाइम ट्रेवल किसी घोस्ट स्टोरी से कम नहीं, क्योंकि भूतों की कहानी की ही तरह टाइम ट्रेवल भी एक ऐसा विषय है जिस पर कुछ लोग यकीन करते हैं और कुछ लोग नहीं। इसी बात को प्रूफ करने के लिए कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं, 28 जून 2009 को फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी रखी। लेकिन ये कोई आम पार्टी नहीं थी, बल्कि ये पार्टी टाइम ट्रेवलर्स के लिए रखी गई थी। उन्होंने एक प्राइवेट पार्टी ऑर्गेनाइज करी और जब तक पार्टी खत्म नहीं हो गई उन्होंने इस पार्टी के बारे में किसी को भी नहीं बताया। पार्टी खत्म हो जाने के बाद उन्होंने पब्लिकली इनविटेशन दी ताकि कोई टाइम ट्रेवलर उस पार्टी को समय में पीछे जाकर अटेंड कर सके। लेकिन दोस्तों, उनकी उस टाइम ट्रेवलर्स पार्टी में कोई भी नहीं आया और इसीलिए उन्होंने ये कंक्लूड किया कि समय में पीछे जाना शायद इम्पॉसिबल है।